आप जानते हैं कि एक पिंड पर लगाया गया बल पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। इस स्थिति को व्यक्त करने वाला एक समीकरण लिखिए और समीकरण को आलेख कीजिए। सबसे पहले बात करता है एक पिंड की। पिंड को कहते हैं हम बॉडी या कोई वस्तु है पर लगाया गया बल, तो बल को हम कहते हैं इंग्लिश में फोर्स। पिंड यानी बॉडी में उत्पन्न त्वरण, त्वरण को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। के अनुक्रमानुपाती होता है, इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शनल इस स्थिति को व्यक्त करने के लिए एक समीकरण लिखिए और समीकरण को आलेख खींचिए। यानी कि इसमें दो क्वेश्चन को पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन ये हमारे पास है कि हमें समीकरण बनाना है, फिर उसका हमें आलेख खींच के बताना है और कुछ हमें वैल्यू के बारे में बताया गया है। एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि एक पिंड पर लगाया गया बल पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि मैं कोई भी बल लगा रहा हूँ, यानी कि मैं फोर्स जो भी लगा रहा हूँ वह मेरा अनुक्रमानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ये इसका साइन है किसके, त्वरण के। त्वरण होता है मेरे पास एक्सेलरेशन। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, किसी डब्बे के ऊपर मैं जो लगा रहा हूँ, यानी किसको ढकेल रहा हूँ, तो जो मैं फोर्स लगाऊंगा, जो मेरे पास ये फोर्स है, मेरे हाथ दोनों यहाँ पर लगे हैं, जो मैं फोर्स लगाऊंगा इसके ऊपर वह उसी एक्सेलरेशन से आगे की तरफ वो बढ़ेगा। डायरेक्टली फोर्स ने डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब होता है जितना ज़्यादा मैं फोर्स लगाऊंगा उसमें ही उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी। अगर मैं बात करता हूँ कि मैं इस डब्बे के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ 2 न्यूटन का, तो जो इसकी एक्सेलरेशन है वो मेरे पास हो जाएगी, जैसे मैं देता हूँ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। अगर मैं इसी डब्बे के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ 5 न्यूटन का, तो इसकी स्पीड में कहता हूँ कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। जितना मैं फोर्स लगाता जाऊँगा, जितना मैं जोर लगाता जाऊँगा, डब्बा उतने ही स्पीड से आगे बढ़ता जाएगा। इस फॉर्मूले का कहने का मतलब यही होता है। फिर हम बात करते हैं अगर मैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन की जगह इक्वल टू लगाऊंगा, तो एक कॉन्स्टेंट टर्म आती है उसे कहते हैं मास, और एक्सेलरेशन को कहते हैं हम ए से। तो हमारे पास मास है। अगर मैं इसकी अगर मास की बात करूं, अगर मैं कहता हूं ये मेरे पास है 10 kg है, तो 10 केजी को अगर मैं अपना पूरा बल लगाता हूँ, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझाता हूँ मैं कि जैसे कि ये मेरे पास 10 केजी का डब्बा है, मेरे में ताकत है सिर्फ 5 न्यूटन की, सबसे ज़्यादा ताकत है, तो इसकी एक्सेलरेशन निकल के आती है मेरे पास, मैं मान लेता हूँ कि 10 m/s² आती है। ये मेरे पास ए की वैल्यू है, ये मेरे पास है फोर्स की वैल्यू है। मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ आपको, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो अगर मैं 10 किलो का कोई डब्बा लेता हूँ, उसमें मेरे पास धक्का लगाने के लिए फोर्स लगाता हूँ 5 न्यूटन का, तो उसकी एक्सेलरेशन आती है 10 m/s² की आती है। अगर मैं डब्बे का वजन बढ़ा देता हूँ, तो डब्बे का वजन मैं ले रहा हूँ, जैसे मैं 50 kg ले रहा हूँ, तो मेरे पास मैक्सिमम फोर्स कितनी है, मेरे पास तो 5 न्यूटन ही है, इससे ज़्यादा मैं जोर लगा ही नहीं सकता, तो इससे ज़्यादा जोर नहीं लगा सकता, तो इसकी जो एक्सेलरेशन है, जो उसकी आगे बढ़ने की स्पीड है, वो मेरे पास क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि मेरे पास 6 m/s² हो जाएगी। तो दोस्तों ये मैंने एग्जाम्पल लेके बताया, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, आपको समझ में आएगा फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है।
इसी से वो क्या कहता है कि ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है, फोर्स को मैं ले लेता हूँ वाई, एक्सेलरेशन को ले लेता हूँ मैं एक्स, अपनी तरफ से मास मैं कुछ भी वैल्यू ले सकता हूँ, तो मैं एम की वैल्यू ले रहा हूँ यहाँ पर 3 kg, तो ये मेरे पास 3 किलो हो जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा एक समीकरण, इसी समीकरण का आपने आलेख खींचना है। आप 3 किलो की जगह 10 किलो, 5 किलो कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। अब इसका खींचते हैं आलेख। आलेख को खींचने के लिए हमें एक बॉक्स बनाना है, हम इसमें 3 वैल्यू ले रहे हैं। अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। x की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 3। x की वैल्यू मैं 2 लेता हूँ तो 3 × 6 y की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 6। इस वैल्यू का हम खींच देंगे अब आलेख। ये हमारे पास x है, ये हमारे पास x डैश है, तो ये हमारे पास है ओरिजिन 0, ये y डैश है, ये मेरे पास है y, तो वैल्यू लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये मेरे पास माइनस का वाई है। तो सबसे पहले वैल्यू मेरे पास है 0 और 0, एक्स का भी 0 और वाई का भी 0, तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू हो जाएगी ये वाली 0, 0। अगली वैल्यू मेरे पास है एक्स की 1 वाई की 3, एक्स की एक यहाँ पर होगी और वाई की 3 वैल्यू मेरे पास यहाँ पर होगी, तो मैं 1, यहाँ लिख देता हूँ 3। फिर हमारे पास अगली वैल्यू है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू मेरे पास है 6, 2, 6। हम इसको कर देते हैं खींच। तो दोस्तों यही है आपका उत्तर। यह आगे बढ़ते जा रहा है दोनों तरफ। इस लाइन के ऊपर हम लिख देंगे इक्वेशन y बराबर है 3x। दोस्तों यही है आपका उत्तर। अगर आपको पूरा चैप्टर करना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर इस चैप्टर का लिंक दिया गया है, आप वहां से एग्जांपल के साथ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं।